ओके, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड स्किल्स। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन को कवर कर रहे होंगे। क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, सही है क्वेश्चनियर स्टेटमेंट क्या होगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि स्केलिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर स्केलिंग की थ्योरी अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन फॉर्म किस तरीके से कर जाओगे ये कर रहे होंगे। तो क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते वक्त आपको क्या, अच्छा ये सारी चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे जिस स्लाइड से ली गई हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चनर है क्या, आप सबको आइडिया होगा लेकिन फिर भी हम इसको कवर करते हैं। अ सेट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू जनरेट डेटा, सही है, डेटा नेसेसरी फॉर अकम्पलिशमेंट और रिसर्च प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। यानी आपका कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है, RP1 RP2, आपने अपने RP1 के अंदर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर कि मुझे ये इस चीज़ का आंसर करना है। अब इस चीज़ को आंसर करने के, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है या इस चीज़ की कॉजल इफेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन से डेटा रिस्पोंडेंट से लोगों से क्वेश्चन पूछ के, सवाल पूछ के डेटा कलेक्ट करे होंगे। ओके, अगेन मैं यहाँ पे जो क्वेश्चनियर बता रहा हूँ वो ज़्यादातर मेरा फोकस क्वांटिटेटिव है, सर्वे डेटा है, सही है, और उस हिसाब से हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चनियर फोकस मेरा क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे डेटा डिज़ाइन के लिए से क्वेश्चनियर की बात हो रही है। तो सेट ऑफ क्वेश्चन है, अच्छा जब हम ये कर रहे होते हैं तो क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी का एक इश्यू है, उसको एड्रेस करना होगा। कॉम्प्लेक्सिटी से क्या हम व्हाट आई मीन, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन डेट अपियर्ड इन योर मेल क्वेश्चनियर फ्रॉम अ एक्सपीरियंस रिसर्चर। सपोज करें कि किसी ने ये आपसे पूछा, अब एग्जांपल देखें, क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वो हार्ड नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सही है। अब ये देखें सवाल, क्वेश्चन क्या है, डू यू कंसिडर द मैनी मार्केटिंग रिसर्च टैक्स एडिक्वेट फॉर मोस्ट ऑफ योर बिजनेस मेजर एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, यस या नो, इफ नो ब्रीफली नोट वाई। अच्छा, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? तो समटाइम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेट हुई होती है दो तीन चीज़ें, तो वो क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे इस किस्म के इश्यूज़ को कंसिडर करना। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है और समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पूछना चाह रहे हैं, तो वो क्वेश्चनियर फिल ही नहीं करेगा, अपनी मर्ज़ी से रॉन्ग डेटा कहीं पे भी टिक लगा देगा अगर जानने वाला होगा, या ब्लैंक छोड़ देगा। तो ब्लैंक छोड़ना प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चनियर इतना सिंपल होना चाहिए क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते वक्त कि आगे वाला इसको बंदा उसको आपको जवाब दे सके, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर हम एक मिनट, ओके अब आप ये जैसे ही पूछ रहा था कि ईजी है या आंसर है, आपको लग रहा है कि बोलना बोल क्या था आपको, व्हाट एग्जैक्टली डू द वर्ड्स मीन हियर, ठीक है। एक छोटी सी बात, एडिक्वेट किससे क्या मुराद है, किसी के लिए दो भी हो सकता है, किसी के लिए चार हो सकता है, किसी के लिए पाँच हो सकता है। तो मैनी वाली बात के तौर पर, मैनी मार्केटिंग रिसर्च टैक्स का मतलब क्या, मैनी से मुराद क्या है, दो चार पाँच, कुछ लोगों के लिए दो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के लिए पाँच भी कम होती हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट आंसर क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ईयर का इम्पैक्ट डेटा एक्यूरेसी पे पड़ता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ईयर डिज़ाइन करते वक्त डेटा एक्यूरेसी का ख्याल। तो डेटा एक्यूरेसी के लिए क्या ज़रूरी है, पहला पॉइंट ये है कि इट मस्ट कम्युनिकेट टू द रिस्पोंडेंट व्हाट द रिसर्चर इज़ आस्किंग। यानी रिसर्चर, आपको याद है किसी कोई भी क्वेश्चन फिल करते हैं तो शुरू में समटाइम पैराग्राफ होता है कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ाने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, वो आप कम्युनिकेट कर दो रिस्पोंडेंट को कि मैं ये चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ताकि रिसर्चर फिर अकॉर्डिंगली आंसर करे। तो वो जो ब्रीफ समरी वाली बात होती है, तो वो क्वेश्चन डेटा एक्यूरेट देगा, वो समझेगा, वो पैराग्राफ पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ भाई मैं कंसर्न पर्सन हूँ भी या नहीं भी हूँ। तो वो पढ़ के उसी को मना भी कर सकता है कि इररिलेवेंट फील करने के बजाय, सही। अच्छा, प्लस इस ये भी आप क्वेश्चन डिज़ाइन करते वक्त ये भी एक रूल है कि रिसर्चर क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन करे कि रिस्पोंडेंट जो भी आंसर दे वो रिसर्चर को भी समझ में आ रहा हो, यानी टू वे कम्युनिकेशन कम्प्लीटली फुलफिल हो रही हो, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ रही हो, पूछने वाला जो पूछे वो भी और जवाब देने वाला जो जवाब दे रहा है वो भी, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट होना चाहिए। अच्छा, सोर्स ऑफ डिस्टोर्शन क्या है, डिस्टोर्शन प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो एक असलोपी, एक बेकार क्वेश्चन है, ख़राब क्वेश्चन है जिसमें एक अच्छा, आपने अच्छे तरीके से पूछा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, एक डिस्टोर्शन हो रही होगी, बात समझ में नहीं आ रही होगी। द एंट्री ऑफ इंटरव्यू ऑफ इंटरव्यू टू कम्युनिकेट चैनल ऑल्सो डिस्टोर द क्वेश्चन है। यानी किस तरीके से कोई बीच में मिडल व्यू आ रहा है उस, अच्छा चलो एक छोटे से एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज करें
मैंने एक पॉलिटिकल साइंस का रिसेंटली ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने से 2-3 दिन पहले मेरे एक जानने वालों ने मुझसे एक क्वेश्चनर का पूछा, उन्होंने और वो पॉलिटिकल साइंस से कराची यूनिवर्सिटी से PhD करे, उन्होंने अपना क्वेश्चनर मुझसे पूछा। तो उन्होंने ये वाली बात, उन्होंने सवाल क्या था कि सर इस क्वेश्चनर को इम्प्रूव कर दें, उस क्वेश्चनर में इशू क्या था, उन्होंने सवाल क्या पूछा था, वो सवाल मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, टाइप करके नहीं बता रहा हूँ, सही है। अब उस सवाल पहले सुन लें, डू यू एक्सपेक्ट, वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे तो पॉलिटिक्स और जनरल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की से रिलेटेड एक सिचुएशन थी, जुडिशल सिस्टम से रिलेटेड। डू यू थिंक के जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन एक्सपेक्ट क्विक एंड चीप जस्टिस, ये क्विक एंड इकोनॉमिकल जस्टिस फ्रॉम जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से आप, सवाल में क्या है, क्विक भी था और इकोनॉमिकल भी था, सस्ता और अलग, वो क्वेश्चन उर्दू में था, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि सस्ता और जल्द इंसाफ जनरल पब्लिक को मिलता है नहीं मिलता। अच्छा, वो एक ही क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं तो ये बात समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चनरी डिज़ाइन एलिमेंट। क्वेश्चनरी डिज़ाइन करते वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर क्वेश्चन की एक अप्रोप्रिएट फॉर्म हो। अब आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म से मेरा क्या स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, एक नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से एक और बात है, जब आप क्वेश्चनरी डिज़ाइन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर क्वेश्चन रेलिवेंट है या नहीं है, और उसकी वर्डिंग से आपको मीनिंगफुल रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैलिड रिस्पांस मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी एक एक जुमला एक एक वर्ड क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए और एक खास सीक्वेंस फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस वाली बात, कैसा तो नहीं है कुछ सीक्वेंस बायस कर रहे, यानी आप स्टार्ट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली बायस जनरेट करे। बायस का मतलब क्या है कि आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं पहले से जहन में सोचा हुआ उसकी तरफ आप लेके जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई इस तरह का सवाल करते हैं कि डोंट यू थिंक के पाकिस्तान का मीडिया लोगों को हाइप में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के खिलाफ देखा जाए, तो एक तरीके से पिन पॉइंट करने वाली बात, मैं इस वक्त वर्ड भूल गया हूँ, कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, मतलब आपने सवाल में कुछ शुरू के सवाल में कुछ इस किस्म की बात की जिसमें आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ठीक एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो फेल हो रहे हैं, और फिर या इसके बाद आपने कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चन एक तरफ डाइवर्ट करने के बाद फिर आप आखिरी में ये पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत को, इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी आपने सारी नेगेटिव बातें की और नेगेटिव बातें करने के बाद आप उनसे पूछ रहे हो कि ऐसा हो, अब आप जवाब दें, तो जाहिर सी बात है आपने उनका माइंड समहाउ डाइवर्ट कर दिया न्यूट्रल लोगों का। तो क्वेश्चन या डिज़ाइन में सीक्वेंसिंग का किस तरह का बायस नहीं जनरेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन ईयर में समटाइम क्या हो रहा होता है कि अपेरेंस या ऐसी होती है कि वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चनर में, वो इजीली टिक कर सकता है नहीं कर सकता, एक्यूरेसी डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं कर रही। अच्छा, क्वेश्चनर फॉर्म वाली जो बात हमने यहाँ पे कही थी उसी के बाद के फॉर्म से मुराद किया, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनर कौन से होते हैं, जो ओपन एंडेड होते हैं, अब ओपन एंडेड और स्ट्रक्चर क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें फिक्स रिस्पॉन्स होते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। और नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनर, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, आपने ये पूछ लिया भाई आपकी एज क्या है और ब्लैंक छोड़ दिया, तो रिस्पोंडेंट क्या करेगा, रिस्पोंडेंट इसके अंदर या हो सकता है 21 लिखे या 25 लिखे या 30 लिखे, ठीक है। तो ये नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनर की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, व्हाट डू यू मोस्ट लाइक अबाउट ओनिंग योर होम, और आपने आगे ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो कुछ ना कुछ लिखेगा ना कि फ्लेक्सिबिलिटी। इसी तरीके से विल यू प्लीज़ डिस्क्राइब योर थॉट्स ऑन अ पर्सन हु शॉपलिफ्ट्स आइटम फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर टू कीप फ्रॉम गोइंग हंग्री, सही, आप इस शख्स के बारे में क्या सोचते हैं जो खाने की दुकान से खाना चोरी कर रहा है ताकि उसे भूखा ना सोना पड़े, और आगे ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो समहाउ आपकी क्या सिचुएशन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चन कहलाते हैं। तो समटाइम आपको नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछने होते हैं, समटाइम स्ट्रक्चर पूछने होते हैं। स्ट्रक्चर की एग्जांपल वही सवाल जो एज वाला यहाँ पे आया ना, हाउ ओल्ड आर यू, यही सवाल किस तरीके से पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज योर एज फॉल,
या व्हाट इज योर एज, लेस देन 18, 18 टू 30, 31 टू 45, 46 टू 60 एंड ओवर 60, तो ये भी एक कैटेगरी है, जो भी रिस्पोंडेंट होगा वो किसी एक को टिक कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। स्ट्रक्चर की एक और एग्जांपल जिसको डाइकोटोमस कहा जाता है, डाइकोटोमस बेसिकली टू ऑप्शंस के लिए होता है, डू यू स्मोक, यस या नो, ठीक है सिगरेट्स सही है, या डू यू ड्रिंक, इस तरीके की बात, हैव यू एवर वॉच CNN न्यूज़, यस या नो, तो जिस तरह के दो ऑप्शंस वाले जवाब होते हैं, इसी तरीके से मल्टीपल कैटेगरी भी हो सकते हैं। डाइकोटोमस दो कैटेगरी वालों को कहा जाता है। मल्टीपल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल देगा, इन योर ओपिनियन विच प्रोडक्ट कैटेगरी इज मोस्ट सुटेड फॉर मेकिंग परचेज ऑफ ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो नॉर्मली कौन सी कैटेगरी वाली चीज़ आप इंटरनेट पे खरीदेंगे, सबसे बेस्ट सुटेड कौन सी है, यानी क्या कार इंटरनेट से खरीदनी चाहिए? सर जब तक मैं टेस्ट ड्राइव नहीं लूँगा आई एम नॉट गोइंग टू बाय द कार, सही है, और इवन सजेस्ट द कार। बुक्स, क्या बुक्स इंटरनेट से खरीदनी चाहिए? इट माइट बी पॉसिबल कुछ लोग, क्या टीवी, वीडियो कैमरा, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं क्या वो आपने इंटरनेट से खरीदनी चाहिए? क्या वीडियोस या सीडीज इंटरनेट खरीदने, या कंप्यूटर रिलेटेड आइटम, या ट्रेवल बेस्ड आइटम, तो कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी? तो ये मल्टीपल कैटेगरी है आपके लिहाज से मोस्ट सुटेड, तो मल्टीपल कैटेगरी भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर्ड की एग्जाम्पल है। सारी कैटेगरीज आपने ऑप्शन दे दी, ठीक है। अच्छा, ये भी एक और एग्जांपल है मल्टीपल कैटेगरी, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द बैंक ऑफ अमेरिका ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, यानी किसी भी बैंक की ऑनलाइन सर्विस के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? 24 आवर सर्विस अच्छी लगती है, ट्रांजैक्शन प्राइवेसी अच्छी लगती है, नो नीड टू ट्रैवल अच्छी लगती है, घर से कर लिया, जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर पेइंग बिल्स, अब ऑनलाइन जाहिर सी बात है ये जो कोविड सिचुएशन है हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो क्या ऑनलाइन टीच, अब यही वाली बात, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इकरास ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब वो लाइक की बात की गई है, आई नो मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू गो फॉर डिसलाइक आइटम्स, अगर कैटेगरी में प्रोवाइड की जा सकती है। अगर इकरा यूनिवर्सिटी एक रिसर्च सर्वे डिज़ाइन करती है, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेती है कि क्या ऑनलाइन क्लास स्प्रिंग में जैसे गई थी वैसे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने पूछा था कुछ स्टूडेंट्स से, सही है, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसी बेसिस पर समर के प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया। नाउ अदर्स प्लीज रिस्पॉन्स सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस वाली बात भी अगर बात करें, अप्रॉक्सीमेटली रिस्पॉन्स कैटेगरी के सीक्वेंस भी एक लॉजिकल होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल डू यू मेक पर वीक, सही है। अच्छा ये एक थोड़ा सा देखा जाए तो जब ऑनलाइन सिस्टम वगैरह वाले में, यानी आप अपने विद इन सिटी कॉल करने के बजाय अगर आउट इंटर सिटी या इंटरनेशनल कॉल्स की बात की जा रही है कि आप एक हफ्ते में कितने इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँ बीच में पहले लिख दूँ 3 to 4, फिर बाद में दूँ 1 to 2, देन 6 to 8 और देन 7 to 8, तो डिफरेंट हो सकता है, 0 to 1 कॉल, 2 to 3 कॉल्स, 4 to 5 कॉल्स, 6 to 7 कॉल्स और मोर देन 7 कॉल्स, तो ये एक रिस्पॉन्स कैटेगरी, यानी एक लॉजिकल सीक्वेंस भी होनी चाहिए, सही है। तो इन अ नेचुरल सीक्वेंस देख लें, रिस्पॉन्स कैटेगरी इन दिस क्वेश्चन फॉलो नेचुरल सीक्वेंस, वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, वो आप खुद डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा कंटेंट क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स चॉइस शुड बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, सही है, टेकन टुगेदर एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट ओवरलैपिंग। अब इसकी एग्जाम्पल से बात करते हैं, रिस्पॉन्स कैटेगरी कलेक्टिव एग्जॉस्टिव से मुराद क्या है? रिस्पॉन्स चॉइस आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये देखें, ऑन एवरेज हाउ मेनी कैंस ऑफ कोला डू यू ड्रिंक पर वीक, ये क्वेश्चन की एग्जाम्पल है, 0 to 3 और 3 to 6। अगर कोई बंदा 3 कैन, अब मिसाल के तौर पर आप कोका कोला कैन में या कोल्ड ड्रिंक पीने की बात कर रहे हैं, कोई बंदा 3 करता है तो वो इस पर टिक करेगा या इस पर टिक करेगा, तो प्रॉब्लम है। तो अगर आपने इस किस्म की गड़बड़ कर दी, इसकी एक बहुत स्टूडेंट जब क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं ना इनकम लेवल, तो इनकम लेवल में गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ क्या कर रहे होते हैं, इनकम 0 से लेकर लेट्स से 50,000 आपने पूछा, तो फिर यहाँ पे भी 50,000 लिखते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए 50,000 वन से लेकर लेट्स से 80,000, फिर यहाँ पर 80,000 नहीं आना चाहिए, 80,000 वन से लेकर 100,000। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे बढ़ाएं, आप ये करें, अगर आपने 50,000 यहाँ पे लिखा, 80,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे 49999 कर दें 0 to, इसी तरीके से यहाँ पे 799 कर दें, तो ये क्या है कलेक्टिवली यानी ओवरलैप नहीं करने वाली सिचुएशन होनी चाहिए। सो आई होप आइडिया हो गया, सही है। चेंजिंग द 3 इन सेकंड टू कैटेगरी 4, यानी इसको अगर हम 4 कर दें तो ये कवर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन ये मोर देन 6 है, मोर देन 6 का मतलब 7,
यानी 6 होगा तो यहाँ पे आएगा, 7 आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन डिज़ाइन करते वक्त। अच्छा, रिस्पांस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट ऑफ बैंक ऑफ सभी, ये आपको सवाल कर लिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, एक स्टूडेंट, एक बंदा, इसको दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो वो 2 पे टिक कर सकता है, 3 पे भी टिक कर सकता है, तो आपको बेस्ट तो चीज़ नहीं मिली ना। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं रिवाइज करूँ, सही है, मॉडिफाई द क्वेश्चन टू रीड, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था, व्हाट डू यू लाइक अबाउट, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू लाइक मोस्ट, सबसे बेस्ट फीचर क्या है, तो ऑटोमेटिकली कोई एक सेलेक्ट कर रहा होगा, वर्डिंग रिफ्रेश कर दी, विद दिस रिविजन इस रिस्पोंडेंट वुड या शुड चेक ओनली वन रिस्पॉन्स कैटेगरी, वह आपके वरना पिछले में क्या था, कोई भी एक बंदा बोले नहीं मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, तो वो 3 चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकता है। जबकि अगर आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं तो इसका मतलब रिफ्रेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छा, या फिर अगर आप कहते हैं नहीं सर मैंने पूछा ही था कि उसको कितनी चीज़ें अच्छी लगती है, तो फिर आपको क्या, प्लीज़ चेक, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन भी डिज़ाइन करते हो इन चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चन फॉल्स, सही है, डाइकोटोनस भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, ये हमने इनडायरेक्टली डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, समटाइम कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी आपको क्वेश्चनियर में होता है जो कि समटाइम उसको पूछते बगैर भी गुजारा हो सकता है। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, जितना क्वेश्चनियर छोटा है उतना बेहतर है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो। तो आप क्या करें, हर सेंटेंस, जितने भी आइटम्स हैं ना, हर सेंटेंस पर ये चेक अप्लाई करें कि कैन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव फुलफिल विदाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन, अगर मैं ये क्वेश्चन लेटर से 3 नहीं पूछता तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है, लेकिन नहीं, ये पूछे बगैर मेरा पर्पज़ ही पूरा नहीं होगा, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन को आपने रखना है। वो अलग बात है कि उसको इम्प्रूव करना पड़ सकता है, उसको वेरीफाई करना पड़ सकता है उसकी ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स वगैरह के तौर पर, सही है। कैन द रिस्पोंडेंट आंसर द क्वेश्चन, क्या वो आंसर कर सकता है, नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर वो जो पहला सवाल एक हमने थोड़ी देर पहले पूछा था, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर मार्केटिंग कोर्स विल बिकम पोटेंशियली सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर, आप एज अ टीचर मैं मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मार्केटिंग के कितने स्टूडेंट्स सही है मार्केटिंग का कोर्स पढ़ने के बाद सच प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, 10%, 20%, 30% या 1.5%, तो क्या ये आंसर कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए इसी तरीके से, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ क्वेश्चन, यार सही है, यूज्ड बाय मार्केटिंग फेस टू फेस फीमेल से पूछा है, हाउ मच हैज़ योर फैमिली स्पेंट इन द लास्ट 12 मंथ ऑन कुकवेयर, ओके कुकवेयर, ये कुकवेयर था ये, ओके आगे होने की वजह से, यानी बर्तनों पर आपकी फैमिली ने पिछले 12 महीनों में कितने किया, क्या फीमेल वालों, फीमेल्स को इतना आइडिया होगा कि पिछले 12 महीने में कितनी अमाउंट उन्होंने डॉलर जिस बुक से पिक किया गया, कितने पी किया, खर्चा किया है, यानी बर्तन को जितने भी देखा जाए यूटेंसिल्स वगैरह बर्तन के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो किचन या क्रोकरी आइटम्स पर कितना खर्च किया, सही है। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चनर उसका जवाब देने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता, क्या आपको ये बता सकता है, मैं अगर अपने से किसी टीचर से पूछूं तो क्या वो इसका जवाब दे सकते, नहीं दे सकते। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ तो शायद, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए रिस्पॉन्डेंट से, ठीक है। अच्छा, समटाइम क्वेश्चन यार इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी लिख रहे होते हैं, तो उसमें क्या करना है, यूज़ द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी जो चीज़ कर पाकिस्तान में अगर यूज़ की जा रही है किसी टेक्निकल चीज़ के लिए वर्ड, ज़रूरी नहीं है वही टर्म दूसरे फॉरेन कंट्रीज वाले भी वही वर्ड आप यूज़ करें, समटाइम लैंग्वेज करता है वर्ड इक्विवेलेंस के तौर पर आपको डिफरेंस आ रहा होता है, इन जापान चाइना इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्रीज वेरी सेटिस्फाइड मीन्स समवहाट सेटिस्फाइड, वेरी का मतलब बहुत रेयर हो रहा होता है, सही है। वेरी सेटिस्फाइड शुड बी रिप्लेस बाई टोटली सेटिस्फाइड, अगर आप इस वेरी सेटिस्फाइड यानी हम वेरी को अमेरिकन कंटेक्स्ट में जो चीज़ें समझते हैं, यूरोपियन वाले वेरी को क्या कर रहे होते हैं, समवाट, यानी वेरी से मुराद वो वेरिंग वाली बात करते हैं, हाँ ओके। तो इस किस्म की कंटेक्स्ट कल्चरल कंटेक्स्ट का भी आइडिया आपको होना चाहिए क्वेश्चन डिज़ाइन करते हुए। विल रिस्पोंडेंट आंसर द क्वेश्चन सम टाइम आप पर्सनल, यानी एक नॉर्मली बात है ना, फीमेल से एज नहीं पूछनी चाहिए और मेल से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, तो इस किस्म के सिचुएशंस या सेंसिटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जनरल पब्लिक से, जो वो आंसर ना करना चाहे, वो हो सकता है आपका क्वेश्चन भी छोड़ दें,
प्लस वर्ड यूज इन क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस टू द रिस्पोंडेंट, यानी बहुत क्लियर होने चाहिए। अच्छा, डबल बैरल क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल मैंने जो दी थी, एक ही सेंटेंस में दो दो बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखें, डू यू फील फॉर्म्स टूडे आर कंसर्न अबाउट दियर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। भाई ये सवाल, फॉर्म्स या बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न ज़्यादा करते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न ज़्यादा करते हैं? यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स के बारे में ज़्यादा सोचती है या स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचती है? सही, तो इसका मतलब कस्टमर या एम्प्लॉय, तो ये दोनों एक ही सवाल में अगर आप पूछेंगे तो इसका मतलब क्या है? मिक्स है, एक ही सवाल में दो बातें नहीं होनी चाहिए। सही है, द नो रिस्पॉन्स कैन बी इंटरप्रेटेड थ्री डिफरेंट वे। वो कैसे, कि एम्प्लॉय के बारे में भी नहीं कर रही, कस्टमर के बारे में भी नहीं कर रही, एम्प्लॉय के बारे में तो करती है, कस्टमर के बारे में नहीं कर रही, एम्प्लॉय के बारे में नहीं कर रही लेकिन कस्टमर्स के बारे में कर रही है, तो इसका मतलब नो कुछ भी हो सकता है। तो इस किस्म के क्वेश्चन को अवॉइड करना है, सिंपली ब्रेक करके दो क्वेश्चन में पूछें। यानी क्या करें, यही सवाल एम्प्लॉय के लिए भी अलग से पूछें, यही सवाल कस्टमर के लिए भी अलग पूछें, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी सिंपली क्या करना है, ब्रेकिंग वन क्वेश्चन इनटू सेवरल क्वेश्चन। ठीक है, थस आवर इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन ये देखें, डू यू फील फॉर्म्स टुडे कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉयज, फॉर्म्स टुडे कंसर्न अबाउट देयर कस्टमर्स। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन, डोंट, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं देखें, डोंट यू थिंक ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज एनवायरमेंटली अनसाउंड। भाई जाहिर सी बात है, इस वक्त देखा जाए एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही है, अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एवरी डे। सही है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि भाई डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक इस तरीके से पूछा है, आप क्या, आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा? तो आप इसका मतलब लीड कर रहे हैं, डोंट यू थिंक के, मिसाल के तौर पे एक किसी पर्टिकुलर चैनल का मैं नाम नहीं लेता, डोंट यू थिंक कि दिस पर्टिकुलर चैनल इज़ फेवरिंग गवर्नमेंट या अगेंस्ट गवर्नमेंट, आप इस तरह की बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है, तो यस या नो, डू यू डोंट डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन द मार्केट टुडे इज़ हाई एज यूज टू बी अगेन 10 ईयर। ये भी लीडिंग है, यानी 10 साल पहले जो क्वालिटी होती थी क्या वो अब भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, यानी आप उसके बारे में इज़ हाई, ठीक है, इज़ हाई, यानी आपने हिंट एक दे दी, तो लीडिंग नहीं करनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए। तो अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, टू लीडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हियर कैन बी मॉडिफाइड न्यूट्री एज फॉलो, व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर ऑयल, यानी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपने वहाँ पे क्या पूछा था कि नेगेटिव है, अनसाउंड है, ठीक है, और इसी बात को रिवाइज कर दें। सही है, ऑप्शन दे दें, ऑफशोर ड्रिलिंग इज एनवायरमेंटली साउंड, ऑफशोर ड्रिलिंग इज एनवायरमेंटली अनसाउंड, नो ओपिनियन। सही है, हाउ डू यू फील माई क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, बेटर नाउ देन 10 ईयर्स, इज वर्स नाउ देन 10 ईयर, प्रोडक्ट वॉज सेम इज 10 ईयर। जबकि यहाँ पर आप क्या था इस सवाल के अंदर, जब हमने कह रहे थे डू यू थिंक इज़ हाई, हाई वाली बात इनडायरेक्टली हिंट दे रही है कि भाई पहले जैसी क्वालिटी नहीं रही। तो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। वन साइडेड क्वेश्चन, डू यू फील, ये क्या होते हैं, डू यू फील फॉर्म्स टुडे आर कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉय, यस या नो, वुड यू एग्री और डिसएग्री दैट डीरेगुलेशन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज़ बेनिफिट कस्टमर्स। तो सही है, वन साइडेड क्वेश्चंस भी अवॉइड करने चाहिए, यानी आप एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, कि कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉयज, यस या नो, इस तरीके से। तो सिंगल वन साइडेड क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और इसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर दें। देखें, इस फॉर क्या है, कंसर्न हैं तो यस या नो, आप ये देने के बजाय बोले कंसर्न है या नहीं है, यस या नो, इसको रिफ्रेश कर दिया इस तरीके से, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, उस तरीके से नहीं पूछना चाहिए। यानी आप कंसर्न के बारे में यस या नो कर रहे हैं, तो अनकंसर्न के बारे में क्या ओपिनियन है वो नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पूछ रहे होंगे, हैज़ बेनिफिट कस्टमर, हैज़ नॉट बेनिफिट कस्टमर, यानी आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बेनिफिट, एयरलाइन कंपनी अपने कस्टमर से पूछती है यस या नो, क्या हम बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो आप इसको इस तरीके से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अनबैलेंस क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज प्राइस टू यू इन बाइंग अ न्यू कार। अब देखें, इसमें अनबैलेंस से मुराद क्या है, मोर इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल, यानी आपने क्या दिया, चार में से तीन किससे रिलेटेड हैं, इम्पोर्टेंट से रिलेटेड है और एक समवॉट इम्पोर्टेंट है, ये सारे एक ही तरफ जा रहे हैं, सॉरी पाँच में से चार डायरेक्टली इम्पोर्टेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी यानी इक्वल बैलेंसिंग नहीं है, यानी हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछ रहे हैं हाउ मच यू लाइक दिस, सही है, और आप दें वेरी मच, ठीक है, नॉर्मली,
मॉडरेटली और रेयरली, एक ही ऑप्शन दिया है। इसकी एक और एग्जांपल भी अभी आएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिवली टू नाइदर, रिलेटिवली देखें ये न्यूट्रल हो गया, वन टू माइनस वन माइनस टू, इस तरह की सिचुएशन आ गई। ठीक है, अवॉइड क्वेश्चन विथ इम्प्लिसिट अजम्पशन, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप पहले से कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहे हों। सही है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, इम्प्लिसिट अजम्पशन को डिटेल की हुआ, एंड आई डाउट कि कितने कुछ स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे होंगे। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर माई दिस वीडियो, के बेसिक हमने क्या कवर किया, बेसिकली हमने ये कवर किया कि ज़्यादा क्वेश्चन डिज़ाइन करते वक्त किन किस्म की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो मैं आगे ये चीज़ें नहीं कर रहा, डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।